पीजीएम मशीन से रिवॉल्विंग भी की है और इसके अलावा बायोस प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ किया है। बहुत बढ़िया सर, सर ने बहुत बढ़िया बताया। दोस्तों आज हमारा एक बार फिर से सर्टिफिकेशन हो रहा है, उसके लिए स्टूडेंट का हमारे स्टूडेंट का टेस्ट हो रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे स्टूडेंट का एक्चुअल में क्या टेस्ट हो रहा है। चलिए यहाँ पे एक एक से पूछते हैं कि उनका टेस्ट कैसा जा रहा है, कैसे उन्होंने कोर्स किया, कहाँ से उन्होंने किया था, जीरो टू एडवांस उन्हें क्या क्या मिला और आगे वो क्या करना चाहते हैं। तो ये हम अपने स्टूडेंट से ही जानते हैं। विक्रम जी। जी मैम, मैं भोपाल से आया हूँ, वहाँ पे मेरा बिजनेस है और वहाँ पे क्या है कि मैं अपना जो भी काम आता है मेरे पास लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, तो मैं किसी दूसरे बंदे के थ्रू कराता था। अच्छा अच्छा। तो मुझे बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे कहीं जाके कोर्स करना है, तो आपके इंस्टीट्यूट में आया, मुझे ठीक ठाक लगा, लैब अच्छी लगी, यहाँ के सर हैं सर अच्छे लगे, जिनको नॉलेज भी था, मैंने डेमो लिया तो मुझे समझ में आया कि नहीं ये सर जो है वो मुझे पढ़ा सकते हैं और मैं सीख सकता हूँ यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो अभी सर इतने दिन में आपके पास क्या कॉन्फिडेंस आया, अब क्या लग रहा है कि आप सीपीयू लेवल तक का काम सीख लिए, आप कर सकते हैं? डेड से डेड आप लैपटॉप सही कर सकते हैं सर, लाइव कर सकते हैं, राइट? ओके, आईसी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कर लेते हैं आप। बिल्कुल आता है। चलिए तो आपका सर एड्रेस क्या है भोपाल में, अगर कुछ क्लाइंट भोपाल के बंदे अगर आपके शॉप पे आना चाहे तो उनके लिए भी आप बता सकते हैं भोपाल में अपना एड्रेस किस जगह पे है आपका दुकान? भोपाल में अवधपुरी में रहता हूँ मैं। अच्छा, अवधपुरी में। चलिए फ्रेंड्स, अच्छा है अवधपुरी में इनका शॉप है, तो आप आके अगर आपके लैपटॉप वगैरह कुछ खराब हो रखी हो तो सर की शॉप में आप आके उनको अपना ठीक करा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे अखिलेश जी। सॉरी अखिलेश जी, मैं आपका कुछ समय लेना चाहूंगी सर। ओके मैम। सर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसे यहाँ पे आए, क्या लगा, जीरो टू एडवांस आपने कैसे किया और अभी क्या तक की आप काम कर लेते हैं सर? मैम अब कोई भी हमारे पास डेट बोर्ड आया तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके उसका आईसीएनसी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैम तो हमको पूरा फुल कॉन्फिडेंस है कि हम चीप लेवल कोर्स कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो पहले क्या करते थे आप? मैम पहले अभी हमारा मतलब क्लास चल रहा था, क्लास भी चल रहा प्लस ए भी सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा। नहीं आपने अब कोर्स के पहले क्या कर रहे थे? मैम कोर्स के पहले पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो आप क्या अभी आप सीपीयू लेवल तक का ट्रेनिंग कर लिए सर आपने, तो क्या कॉन्फिडेंस कह रहा है, क्या कह रहा है आपका कॉन्फिडेंस? मैम हमारा सीपीयू लेवल कंप्लीट हो गया, प्लस हम अपने आप को मतलब और ओवर मतलब कंप्लीट करना चाहेंगे। अच्छा अच्छा। हम अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अच्छा अच्छा, वेल डन। कहाँ खोलेंगे अपना इंस्टीट्यूट? यूपी महाराजगंज। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। चलिए बधाई हो सर, आप अपने लाइन पे बहुत अच्छा कीजिए, करियर आपका अच्छा, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की, जानते हैं उनका क्या अनुभव है हमारे एक इन्फो इंस्टीट्यूट की तरफ से। हेलो शिलमान जी, कैसे हैं आप सर? जी मैम अच्छे हैं। अच्छा, तो शिलमान जी आप अपने बारे में सर कुछ बताइए, क्या नाम है, आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए कहाँ से आप आए, क्या दिक्कत आ रही थी जो आपको सर ये लैपटॉप कोर्स करना पड़ा, क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या आपको कॉन्फिडेंस मिला, तो वो कॉन्फिडेंस की जरा हमारे दोस्तों से शेयर कीजिए आप। भाई लोग, मैं सलमान अकबर, मेरा नाम है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मेरे लिए सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के लिए आया था, लैपटॉप में मुझे सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे इंस्टूमेंट इंस्टॉलेशन, जैसे करप्ट विंडोज को मैं रिस्टोर नहीं करवाता था। अच्छा, अच्छा। और यहाँ पर कई चीज़ मिले, जैसे यूमी सॉफ्टवेयर है तो सर ने बताया यूमी सॉफ्टवेयर से जैसे कई विंडो में एक साथ विंडो 7, 8, 10 सब वगैरह के उसे बूटेबल बना सकते हैं, तीन चार विंडो से, तो ये सब क्रिएट हो। बाकी उसके बाद से हमने बीजीएम मशीन से रिवॉल्विंग भी की है और इसके अलावा बायोस प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ किया है। बहुत बढ़िया सर, सर ने बहुत बढ़िया बताया। अच्छा, तो यहाँ से सर पूरा सेटिस्फाइड है या फिर कुछ डाउट्स है? फुली सेटिस्फाइड है यहाँ। अच्छा, तो आप अपने गोरखपुर वाले के लिए क्या कहना चाह रहे हैं सर, कि उन्हें आना चाहिए यहाँ पे या नहीं आना चाहिए? मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, जो भी गोरखपुर या यहीं से पूरे इंडिया में बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। चलिए सर, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाते हैं, उनका भी अनुभव आपसे शेयर करते हैं अभी। हेलो जयप्रकाश जी, कैसे हैं आप सर? क्षमा चाहेंगे सर, अभी हमें आपका 2 मिनट चाहिए सर जी। तो जयप्रकाश जी, आप अपने अनुभव के बारे में क्या हमसे शेयर करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे सर, कहाँ से आप हैं, क्या सीखा आपने, हमारे इंस्टीट्यूट का जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो लाइव प्रैक्टिकल है, या फिर जो हम फ़ोन पे बताते हैं या कमिटमेंट करते हैं, वो क्या सही है या फिर क्या हम लोग करते हैं, जरा हमारे व्यूअर्स से आप शेयर कीजिए सर। बिल्कुल, वो 100% सही है जी। हम इलाहाबाद से रहने वाले हैं, यहाँ पे आए थे हम 4 महीने पहले चिप लेवल सीखने के लिए, तो अभी हमारा तो कंप्लीट हो चुका है लैपटॉप चिप लेवल का रिपेयरिंग। तो अभी हम करंट टाइम में भी लैपटॉप है डेल का, इसमें आईओ प्रॉब्लम से मतलब कीबोर्ड का दिक्कत था, मतलब इसमें पावर लगाने पे कीबोर्ड में पावर नहीं जाती थी, तो अच्छा, हमने ये आईओ आईसी भी निकाल के दूसरी लगानी, ये मेरे पास है नई आईसी। अच्छा,
ये कौन सा नई आईसी है सर आपके पास? आईओआईसी क्या होते हैं सर? ये बोर्ड में जितने पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं, जैसे यूएसबी के बोर्ड हो गए हैं और माउस का हो गया, टच पैड हो गया, कीबोर्ड हो गया, अच्छा, जो भी जितने पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं ना, अच्छा, ये सप्लाई देने का काम करता है, उसे कंट्रोल करता है। ओके आईओ कंट्रोलर है जी। तो जब को अभी यही चेंज करके लगाना है। ठीक है, तो अभी आपका अनुभव अभी क्या कह रहा है? अपना कहाँ पे आपका शॉप है सर? अपना शॉप का लोकेशन दे सकते हैं बंदे से? शॉप तो अभी मेरे है नहीं, अभी यहाँ से जाके करोगे आप? चलो ठीक है सर, कोई नहीं। तो आपका अनुभव अब क्या कहता है सर? आपका पूरा कॉन्फिडेंस आया कि कोई भी लाइव से लाइव बोर्ड खोल के उसका सीपीयू फाड़ के लगा दोगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया आप में? चलो ठीक है, तो चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं, उनका भी अनुभव आपसे शेयर करते हैं। तो हेलो कामरान जी, कैसे हैं आप सर? जी मैम बढ़िया। तो अभी क्या कर रहे हैं सर आप? मैम मॉस्फेट चेक कर रहा है अभी। अच्छा, चलिए तो कुछ आप अपने बारे में, कहाँ से आप हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग मिली, तो आप थोड़ा सा हमारे फ्रेंड से शेयर करेंगे आप सर? मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मैं पुरानी दिल्ली 6 से रहता हूँ। अभी तो मेरा स्कूल चल रहा है, 12th क्लास में मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने 12th क्लास के साथ साथ ये सोचा कि मैं इसके बाद कुछ टेक्निकल काम करना चाहता हूँ। हाँ? तो मैं स्कूल के साथ साथ इस टेक्निकल वर्क को कर रहा हूँ लैपटॉप का। तो अब मैं 12th के बाद अपना बिजनेस करना चाहता हूँ लैपटॉप और LED का। तो इसमें मेरे को बहुत सर कोऑपरेट कर रहा है, बहुत अच्छे से सिखा रहा है। अब पूरा आपका कॉन्फिडेंस आ गया क्या आप में? बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया 100%। चलिए सर, बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। आप लोग को हमारा इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया लगा, इनके लिए आप लोग को सब सारे कोई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अच्छे करो, आप लोग अपने फ्यूचर में बहुत ही बेहतर करो। थैंक यू। तो चलिए सर, आज आपका सर्टिफिकेशन हो रहा है, आपकी बैच फिनिशिंग हो रही है, तो क्या क्या मतलब आपका क्या अनुभव, आपने क्या क्या सिखाया जरा हमारे व्यूअर्स से? मैडम देखो, इनको क्या है, ऑलमोस्ट सारा चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाया है। तो जैसे कुछ आप क्लियर कर सकते हैं क्या क्या चिप लेवल में हम सिखाते हैं? हमने स्टार्टिंग से लेकर चले, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर चलते हैं हम। अच्छा, बेसिक में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मदरबोर्ड के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड वगैरह होते हैं, इन सबको कैसे चेक किया जाता है, CRO मशीन के थ्रू कैसे चेक करना है, अच्छा, BGA मशीन का यूज करना, BIC को रीप्रोग्रामिंग या फिर रीबॉलिंग करना, तो कंप्लीट चिप लेवल से रिपेयरिंग कैसे करना है, हमने इनको कम्प्लीटली रिपेयर करना सिखाया है। जिसमें भी नए जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं, वो सब कैसे रिपेयर किए जाएंगे, उनके अंदर क्या होता है, मेथड चेंज हो रहा है, जितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमने उनको कम्प्लीट लेटेस्ट तरीके से हमने उसको रिपेयर करना। चलिए सर, ऐसे में हमने आपके बच्चे से फीडबैक भी ले लिया है और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिवर्स दिया है आपके लिए कि भैया सच में मतलब आपने बहुत अच्छा करवाया है, इसके लिए आपको भी थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे सारे बच्चे कितने अच्छे से इन्होंने अपना कंसेप्ट क्लियर किया। तो आप भी अगर कम टाइम में ज़्यादा कमाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आके नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।